युद्ध के बीच पहली बार कीव पहुंचे राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दरअसल पूरा मामला क्या है, विस्तार से बता देते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के एक साल पूरा होने से ठीक पहले जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। वो सोमवार को यूक्रेन पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर से मुलाकात की। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी 2022 को हमला किया था। तब से ये पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे हैं। बाइडेन का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका अभी तक दूर से यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाता रहा है। जो बाइडेन ने कई मौकों पर ऐलान किया कि वो यूक्रेन के साथ हर हाल में खड़े रहेंगे। हालांकि सोमवार को उनके यूक्रेन दौरे ने क्रेमलिन रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने युद्धग्रस्त देश को मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो यूक्रेन को और भी ज्यादा और नए हथियार मुहैया कराएंगे। उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए एयर सर्विलांस रडार देने का भी ऐलान किया है।